जहां से नदियां आती हैं, तो क्या होता है वो बात और थोड़ी सी गंगा की हालत की दो मिनट में अशोक प्रकाश जी बताएंगे कि नमामि गंगे कहते हुए जिसके साथ सुप्रतिम कर्मकार भी अभी बंगाल की कमेटी में जुड़े हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में क्या स्थिति होती है शुद्धिकरण के नाम पर। और पहाड़ भी जंगल खत्म होने के बाद अगर धंसता है तो उसमें रायगढ़ जिले का एक पूरा गांव खत्म होता है। पुणे जिले का जहां से बुढ़ा जी भाव करते हैं, जरा पूछा करो बुढ़ा जी भाई, वहां का मरीज नाम का गांव भी मिट्टी के नीचे पूरा गाड़ कर खत्म होता है। कभी लगता नहीं है कि पहाड़ अपने ऊपर गिरेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है हिमालय में भी और सतपुरा में भी और नर्मदा में भी जो गंगा में हो रहा है वही शुद्धिकरण की बात को लेकर अशोक। धन्यवाद साथी मेरा जी। साथियों, अभी हमारे साथी समीर रतूड़ी जी ने गंगा के उद्गम जिन्हें आप भगवान मानते हैं उन रामचंद्र का भी शरीर बना था उसी द्वारे की मिट्टी से, जिन्हें आप श्री कृष्ण मानते हैं उनका भी शरीर बना था उस द्वारे की मिट्टी से, और द्वारे पर किस तरह का खतरा है तो आवाज कहा गया पानी दो नदियों के बीच का जो हिस्सा है गंगा और यमुना के बीच का हिस्सा, उस दो आबे का भारतीय संस्कृत को विकसित करने में तथा कथित जिसे अब हिंदू संस्कृति कहने की कोशिश आजकल इंजाम कर रहा है उस हिंदू संस्कृत को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरा संगम के 3 किलोमीटर दूर पर मेरा घर है, संगम में ही एक तरह से घर है। हमारे घर के लोग, हमारे इलाके के लोग रोज जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए और सोचते हैं हम पवित्र होंगे। वह सोचते हैं कि हम एक मंत्र पढ़ेंगे ओम अपवित्रो पवित्रावा और सोचते हैं कि आभ्यंतर शुद्धि हमारी हो जाएगी। लेकिन साथियों, जिस जल से आभ्यंतर शुद्धि की बात हमारे लोग सोचते हैं उस जल पर किस तरह का खतरा है वो नदियों के खतरे से हमारे साथी लोगों ने अभी आपके बीच में रखा है। मैं एक बात एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये खतरा दरअसल है। हमको आपको लगता है कि नदियों पर ये ऐसे ही खतरा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। दरअसल ये खतरा आपके जीवन से जिस तरह ऑक्सीजन जुड़ी है उसी तरह जल जुड़ा है। ऑक्सीजन और जल, इसके अलावा आप इस धरती से कुछ न कुछ भोजन हासिल कर लेंगे, लेकिन जल और ऑक्सीजन के बिना आप नहीं रह सकते। इस पर पूरी निगाह है इन कंपनियों की, कॉरपोरेट की। ये कॉरपोरेट चाहता है कि जल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो समाप्त कर दिया जाए और या कम से कम पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ जाए कॉरपोरेट के, और उसी नियंत्रण के लिए वो नदियों पर नियंत्रण करना चाह रहा है, वो जल पर नियंत्रण करना चाह रहा है। मैं जिस द्वाबे जिस इलाके में अवध के क्षेत्र में मेरा मूल आवास है उस इलाके में आज हर घर योजना हमारे योगी जी चला रहे हैं, और उस हर घर जल योजना का मतलब क्या है कि हमारा जो कुछ हम नल से भी पानी लेते थे, जो हमारे गंगा और यमुना ने हमारे वो धरती बनाई है, उस धरती से जो जल हम लेना चाहते रहे हैं जल लेते रहे हैं उस पर भी पाबंदी लगने जा रही है। कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है कि कॉर्पोरेट हमें जब हर घर में नल लगेगा, नल लगाया जाएगा और उससे ही हमको मीटर से पानी मिलेगा, उसका दाम चुकाना पड़ेगा। तो गंगा और यमुना सहित तमाम सारी नदियों पर जो हमारा खतरा है दरअसल वो कॉर्पोरेट की निगाह के कारण खतरा है, और ये सरकारें जो कॉर्पोरेट की तरह कॉर्पोरेट पर सरकारें हैं उनके कारण खतरा है। तो नदी को बचाने का सवाल अपने जीवन के लिए जल के बचाने का सवाल है। केवल वो जल मात्र केवल नदी का जल नहीं है, हमारे जीवन में जिससे जीवन चलता है उस जल को बचाने का वो चाहे ये दुआबे का इसमें ही धरती के नीचे पाया जाने वाला जल न हो। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप एक नारा लगाएंगे, अभी नारा लगाया जाता है नदी बचाओ भारत बचाओ देश बचाओ, जानते हैं मैं एक नारा लिखा तो कॉर्पोरेट बचाओ।